हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो क्या हुआ, चलते हैं ना बेटा। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट सब्जी लेने के लिए। आलू प्याज सारा खत्म हो रखा है तो मैं आलू प्याज लाऊंगी। मैं प्याज कहाँ से लाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ थोड़े सस्ता मिलता है प्याज। और मैं आज पहनी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या पहनी। ये वाली सूट, ये मैं खुद ही सी ली हूँ ये वाला सूट। और ना ये सूट मैं बनाई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ब्लाउज का पीस था। और नीचे में मैं कपड़ा लाके इसको फ्रॉक सूट बनाई हूँ। और ये बंसु चूड़ी पहन के घूम रहा था तो मैं इसको पहन ली हूँ। और आज करवा चौथ का एक दिन पहले का है तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ करवा चौथ के लिए। तो और आज मैं बनाऊंगी मिर्ची का पकौड़ा, वो भी आपको दिखाऊंगी। चलिए पहले मार्केट चलते हैं, रात होने वाला है, 6:30 बजने वाली है तो लाइट आपको दिखेगी नहीं, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं आपको। चलो बंसु। और बंसु रोसा हुआ है, मोबाइल चाहिए उसको। बंसु चलो, चलिए जी चलिए, चलिए नहीं जाएगा वो, बंद। लो मांस लगाओ, ये बंसु का मांस है जो मैं खुद बनाई हूँ। अच्छा लो। तो ये देखिए मैं प्याज लेने आ गई हूँ। ये प्याज वाला मेन रोड पे मेन रोड के साइड में लगाए रहता है, तो वो देखिए उसका ट्रक लगा है, तो मैं ट्रक वाले से ही प्याज लेती हूँ क्योंकि इसका प्याज में थोड़ा सा रेट का अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, जैसे किलो में 5 रुपये का अंतर रहता है। और कभी कभी तो महंगा ये भी देता है तो थोड़ी बहुत अंतर रहती है। तो मैं एक कट्ठा ले आती हूँ 5-7 किलो, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है हमारा। तो इसी से हम हमेशा प्याज लेते हैं यहीं पास आके। ये देखिए ऐसे ट्रक वाले लगाए रहते हैं बहुत जगह, मतलब इस लाइन में ना बहुत सारे लोग ट्रक वाला ऐसे लगाए रहते हैं। तो इसी से प्याज लेती हूँ मैं हमेशा ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा कम रहता है इसका रेट। तो मैं घर आ गई हूँ और मैं बोली थी आपको बना के दिखाऊंगी मैं मिर्ची का पकौड़ा, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं तेल गरम कर ली हूँ, आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। तो ये जो मैं मिर्ची के अंदर जो स्टफिंग करूँगी उसकी वो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने तेल में हरी मिर्च और फ़ौरन के लिए सरसों डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ। और फिर मसाले में मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर और गोलकी जीरा बस, और तीखा तो मिर्च खुद तीखा है। तो इसमें मैं 4 आलू बड़े साइज की 4 आलू को अच्छे से वो कर लूँगी, मैश कर लूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मिर्ची उतना तीखा नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगी। तो मेरी मिर्ची थी 100 ग्राम, 150 ग्राम मेरी मिर्ची थी, तो उसमें इतना आराम से चला जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से भूंजना है एकदम, जब तक ये पूरी कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हमें इसको भूंजते रहना है। तो अब मैं इसमें मिलाती हूँ नमक टेस्ट के अनुसार और इसको भी अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो पूरी देखिएगा, आगे मैं अपनी करवा चौथ की तैयारी की वीडियो दिखाई हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी गुठली थी तो मैं गिलास को उल्टा करके, मतलब गिलास के पीछे की साइड से ऐसे मसल लूँगी। और मेरा आलू का चोखा बिल्कुल तैयार है, इससे आप आलू का पराठा भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, मैं वीडियो में नहीं ऐड की हूँ लेकिन मैं इसमें हरा धनिया डाली हूँ। और ये देखिए ये कढ़ाई भी छोड़ने लग गया। तो ये देखिए ये मेरी मिर्ची है, तो मैं इसको बीच से चीरा मार दूँगी, अंदर तक नहीं काटूँगी, बस ऊपर ऊपर इसको चीरा मार दूँगी। और इसके अंदर अपनी स्टफिंग भरूँगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे बोलने में, तो वैसे ही मैं सबको कर लूँगी। और इसको मैं धो ली हूँ अच्छे से, बहुत दिन से मन कर रहा था खाने को तो सोची आज मैं ट्राई कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा था। और ज़्यादा मिर्च का पकौड़ा ना खाए, पेट में जलन हो जाएगी। तो मैं इतना बनाने के लिए सोची थी लेकिन मैं आधा ही बनाई हूँ, आधा कल बना लूँगी क्योंकि मिर्च से पेट में जलन हो जाती है। तो ये देखिए चोखा मेरा, जिसमें मैं बोली थी ना धनिया पत्ती भी डाल दी हूँ लास्ट में, तो इसके अंदर देखिए हमने भर दिया है अच्छे से। और ये मेरा बैटर तैयार है, इसमें मैं डाली हूँ खाने का सोडा और हल्दी नमक मिर्च पाउडर, यही सब डाली हूँ मैं। और इसकी एकदम ग्रेवी में एकदम गाढ़ी बनाई हूँ।
तो ये देखिए इतना अच्छे से इसमें लग जा रहा है। और ये देखिए बस बहुत आसान है, आप देखकर ही सीख जाएंगे। तो ऐसे ही मैं सारे मिर्च के पकौड़े तल लूँगी। बस वंशु के लिए बना रही हूँ आलू का पकौड़ा। तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, मिर्ची का तीता लगेगा और गैस बन जाएगी, तो इसीलिए मैं आलू को ही गोल सा बॉल जैसा बना के उसको बेसन में लपेट के इसके लिए बनाई हूँ। तो आपके घर भी बच्चे हैं तो आप उसको ऐसे बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो देखिए मेरे मिर्च के पकौड़े बहुत अच्छे से तला गया है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे तली हूँ अच्छे से। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यम्मी बना है, बहुत ही ज़्यादा। आइए खाइए। तो ये देखिए ये मेरा सूट है करवा चौथ का, जो मम्मी जी भेजाई थी मुझे पैसा, तो मैंने उससे ये सूट खरीदी हूँ। बस सिंपल सा सूट खरीदी हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था, रेड और ब्लैक का, और ये एकदम सिंपल सा सूट है। और इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पैजामे का कपड़ा कॉटन है लेकिन सूट का कपड़ा रियॉन है, तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसमें ले बटन भी लगे हुए हैं। तो मैं इसका बनाऊंगी प्लाजो और कुर्ती। तो ये देखिए मैं प्लाजो के लिए इसका चिनान दे दी हूँ। अब प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप इजीली प्लाजो बना सकते हैं। तो मैं ना जल्दी से इसको सी ली हूँ, एक दिन के अंदर में, एक दो दिन के अंदर में, मैं पहले से नहीं लेके रखी थी। तो ये देखिए मुझे कैंची चलाने में थोड़ा सा डर लगता है, और इसमें बना कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था, तो मैं इसी कपड़े की बाजू बना ली हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम प्लाजो सी ली थी इसीलिए मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं कपड़ा ही कम मोड़ती, जिससे मेरा कपड़ा अच्छा सा बच जाता है, मतलब चौला सा, ऐसे कट पीस नहीं बचता। तो मेरी सासू माँ ने पेटीएम किया था मुझे पैसा, पेटीएम में भेजाई थी। हर साल वो मुझे करवा चौथ पे कपड़े लेने के लिए पैसे भेजा देती हैं। तो मैं इसको करवा चौथ पे पहनूंगी नहीं, मैं साड़ी पहनूंगी। बस इसको मैं सुबह नहा के, जो सुबह सरगई करते हैं उस टाइम पहनूंगी मैं। ये देखिए मेरे सारे सामान हैं जो ऐसे ही फैले हुए हैं, ये सब मैं लोकल मार्केट से खरीदी हूँ। तो ये मेरी चलनी है, इसको मुझे सजाना था पर टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में अगले साल, अगर अगले साल सजाने बजाने का काम करूंगी। तो ये मेरी छलनी है, और ये मैं लाई हूँ करवा माता का फोटो। ये देखिए करवा माता का फोटो लेके आई हूँ, और मैं पूजा करने के लिए फ्रूट लाई हूँ, और ये मिठाई लाई हूँ, और ये दिए लेके आई हूँ मैं, और ये लाई हूँ मैं अपनी सासू माँ के लिए, सासू माँ को देने के लिए। तो वो मुझे बोली है कि साड़ी मत लेना, साड़ी मेरे पास बहुत है। तो मैं ये बस ब्लाउज का पीस लाई हूँ, जो वो सिला के कोई सभी साड़ी पे पहन सकते हैं। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं जाऊँगी तो उनको दूँगी। तो ये ब्लाउज का पीस ली हूँ मैं, और ये बिंदी, और ये चूड़ी है, और एक सिंदूर है। चूड़ी बहुत सुंदर है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए चूड़ी बहुत ही सुंदर है, रेड कलर की है। तो
ये मेरी सासू माँ के लिए ली हूँ।